मतलब कुछ ऐसे कंटेंट होते थे जिस पर हाँ जिस पर नहीं हम बोल पाते थे, मतलब नहीं, लेकिन हमने बना ली थी कि जी नहीं बोलना है क्योंकि रेटिंग आनी है. तुमने नहीं बोला, तुमने अपनी क्लास मेंटेन रखी, मुझे ये लगता था. लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि ओ अच्छा शुरू हो गया काम. मतलब जो पहला साल था ना मेरा, शुरू में नहीं, हाँ मैंने बड़ा कोशिश की कि नहीं. फिर ऑफ कोर्स फिर आपके पास वो सारे चीजें आती हैं रेटिंग के, इसकी क्या रेटिंग है उसकी क्या, और फिर आप अपने आप को देखते क्या मैं इधर हूँ. अच्छा क्यों ये होता था, वो तो शायस्ता तो अपने बच्चों के बारे में इतनी बात करती है, आप अलाया के बारे में बात क्या करें, लोगों से कनेक्ट हो कनेक्ट हो, ये टीम बोलती थी. मेरी टीम तो कहती थी शुरू स्टार्टिंग में था कि इनकी शादी नहीं हुई, इनको कुछ पता ही नहीं, ये तो कैसे करेंगी, आम मासेस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो भाई लड़की है, वीजे को आपने रख लिया, इनसे तो होगा नहीं. और मेरी टीम कहती आप इतना सच क्यों बोल देती हैं, अच्छा घर में जो चल रहा है आपकी लाइफ किसी, मतलब आप क्यों बोल देती हैं. हाँ तो ये वाला चक्कर, तो पहले शादी नहीं थी फिर मेरी शादी होगी, हाँ. आप क्या कहते हैं. तो फिर मेरी टीम कहने लगी कि देखे ना वो क्या है कि निदा है ना उनकी दोस्तियां बहुत हैं, हाँ. वो दावतें देते हैं, वो लोग मेरे साथ सोशल है, हम सबके साथ सेम. तो आई एम श्योर निदा के साथ भी यही होता है, आई एम श्योर. तो वो ना उन तो दोस्त होते हैं तो दोस्ती में सब बता देते हैं, हमारे पास गेस्ट आके खुलते हैं. और दूसरे दिन इतनी डांट पड़ती थी टीम से के देखा वो वहां पहुंची हुई थी, आप नहीं पहुंची, आपके पास टाइम नहीं है. अरे भाई नहीं जाना मुझे. हाँ मैंने भी कहा मैं नहीं हूँ सोशल, आपको पता था पहले, मेरे अब्बू डायरेक्टर नहीं थे, मेरा मियाँ डायरेक्टर नहीं है, खत्म होगी बात, मैं यही हूँ. सो ये चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स कंपैरिजंस होते हैं ना, इट्स वेरी टफ. हाँ लाइक अच्छा, लेकिन जब आप इतने लाइमलाइट में आ जाते हैं, या एक ऐसा शो, लाइमलाइट नहीं कहूंगी, एक ऐसा शो जो रोज हो रहा है ना, तो आपको लोग अपने घर का मेंबर समझने लगते हैं, ये बात है जी, मैं तो रिलेट करती हूँ इस औरत से. आप कुछ भी कह लें शायस्ता, जितना भी लोग को बुरा लगता है, ठीक है देवर, सी आई विल नॉट से 100% बुरा था, देवर टाइम्स जब हमने अच्छे कंटेंट भी दिए और हमने काम की बातें भी की हैं. हाँ देवर डेफिनेटली देवर टाइम्स जब कंटेंट वाज स्टूपिड, बट उस वक्त डिमांड थी, करना था, हो गया. 3,000 रुपए में शादी का जोड़ा तब्दील करें. हम पे कल ना ये हो गया, बस आज तो आपने ये करना है, इसको ऐसे करके घुमा के. सुना आप लोगों ने पराठे रोटियों पे बड़ा अच्छा शो किया था, रेटिंग भी आई थी उसकी. मैं तो हैरान रहेगी कि 2 घंटा पराठे रोटियों पे कैसे शो किया. मत पूछो, मतलब उसी रोटी को उधर से दिखाएं, उसी रोटी ओए ओए ओए, बट मुश्किल था, लोगों को पता चलता था पालक वाली रोटी तो पता नहीं कौन सी रोटी इस्तेमाल हो सकती है, बचा हुआ खाना रोटी में डाल के. हाँ तो इतनी बुराई नहीं है, बहुत सारी औरतों ने बहुत कुछ सीखा भी. मैंने सीखा, और मॉर्निंग शो का फायदा है कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लोग आपको सच कह रही है, आप घर का ही हिस्सा समझते हैं. अच्छा जब घर का हिस्सा समझते हैं, प्यार मिलता है, तो उसी तरह फिर उन पे कमेंट करना भी अपना राइट समझते हैं. हाँ, चाहे आप किसी कमेंट बताऊं मैं. हाँ, हाँ. मैं अपने हमारे फोटोग्राफर के घर गई थी, तो उनकी चाची है कोई थी जो आई मेरे पास, कहती है मोटी गेंडी. नहीं और मैं यूं थी जी जी, कह रही है इतनी दुबली कहती है, तुम तो इतनी दुबली हो टीवी पे तो ये लगती हो. तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि मुझे लिटरली कमेंट दे रही है कि मैं ये हूँ. हाँ. so, मैंने कहा अभी मतलब इतना करने के बाद भी, तो कहती है अरे तुम तो बड़ी पतली हो टीवी पे तो इतनी आती हो. मैंने कहा जी थैंक यू, मैं तो हरास हो गई थी. जो उसी उस वक्त जब इसी तरह के मेरे ख्याल सब लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी आप तो इतनी मोटी आती हैं टीवी पे, ये कह दिया उसके बाद, लेकिन वैसे तो पतली लग रही है. तो जो पहला वो आता है ना कमेंट, हाँ. तो उसमें आपका दिल आप थाम लेते हैं कि ओ गॉड, मतलब ये तो एक्सट्रीम था ना, लेकिन आई नो बट प्यार भी इसी तरह ही मिलता है. हाँ. तो फिर जब लोग कमेंट करते हैं स्पेशली सोशल मीडिया पे, आई वॉज हरास्ड. अच्छा मुझे हाँ लाइक एनी थिंग, मेरा जो वेट गेन था ना वो पूरे मतलब पाकिस्तान का एक हेडिंग बन गया था कि न्यूज. लेकिन यार बहुत बुरी बॉडी शेमिंग थी, बहुत, मतलब हम पता नहीं हम इससे आगे क्यों नहीं निकल पाते, और हम क्यों स्टक हो जाते हैं इतनी फजूल और बेकार चीज़ों में, और जबकि सबको पता है कि वो एक नॉर्मल फिनोमेना है लाइफ का, खातून की लाइफ. एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट. हाँ हाँ मुझे शो नहीं करना था, आई क्राइड.
आई क्राइड कि व्हाट इज दिस. मैं जहाँ देखूँ ऑल पाकिस्तानी ड्रामा पेज तो पता नहीं कितनी. अच्छा मैंने एक जगह देख लिया ना, चलो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा चलो ये बात ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद जो मैगजीन्स ने वही चीज़ उठा के और कॉमेंट्स उठा के हर जगह लगाए, वी सपोर्ट सनम जंग, एंड देन वो कॉमेंट्स लगाए जो नेगेटिव थे, तो यार इफ़ यू रियली सपोर्ट मी ना, यू शुडंट हैव पोस्टेड ऑल दोज कॉमेंट्स, यू नो इट्स जस्ट मेकिंग थिंग्स वर्स. बिकॉज जो लोगों ने वो जगह नहीं देखी थी, वो पेज नहीं देखा था, अब उन्होंने सारी मैगजीन्स पे देख लिया. एंड आई वाज लाइक कसम आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू कम ऑन द स्क्रीन, आई जस्ट वांट टू हाइड, इट्स सो एम्बैरेसिंग. एंड ही गेव मी द स्ट्रेंथ एंड ही सेड सनम इट इज़ कम्प्लीटली ओके, तुम एक औरत हो और लोग आम लोग इसी तरह होते हैं, और तुम अपनी जर्नी उनके साथ शेयर करो. कोई तो क्या हुआ अगर मोटी हो गई तो क्या हुआ, आपको पता है मैं चेयर के पीछे खड़ी होती थी, मैं कुर्सी के पीछे खड़ी होती थी, और मैं बाल बीच की मांग करके ना शायस्ता इधर तक मैं बाल रखती थी अपने ताकि मेरा मुंह छोटा है. सो मुझे मैमुना ने बुलाया एंड शी इज़ लाइक शी मैसेज मी कि व्हाट्स रॉन्ग, चेंज द हेयर स्टाइल, पूरा एक महीना हो गया बाल यहाँ से जा ही नहीं रहे, ठीक है, और कुर्सी के पीछे खड़ी हुई हूँ, कॉन्शियस हो रही हूँ, परफॉर्म नहीं कर पा रही ना, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते जब आप इसी में हो के, नहीं नहीं यहाँ से मत लेना, यहाँ से नहीं ये वाला ले लेना शॉट, आपकी वो हो जाती है बिल्कुल. तो फिर देन शी सेड इट्स ओके, देन सुल्ताना आपा कॉल मी, शी सेड क्या मसला है लड़की, मैंने कहा आपा मैं बहुत मोटी हूँ मुझसे नहीं हो रहा. सो आपा सर हम मोटा पतला नहीं देखते, हम टैलेंट देखते हैं, बोल दो सबको ये वो. तो उस दिन मुझे जरा ये तो चैनल वालों की तरफ से भी बड़ी सपोर्ट है. नाइस नाइस, आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू माय चैनल एंड सुल्ताना आप एंड मैमुना, बिकॉज उन्होंने भी मुझे वो कॉन्फिडेंस वो पुश दिया, वरना एट द बैक ऑफ माय हेड ये भी तो था ना कि पता नहीं चैनल को कैसा लगेगा, चैनल क्या सोच रहा है, दे गिव मी माय स्वीट टाइम के चले यार ये अपना करेंगी आराम से. अच्छा एक तो ये वाली चीज बहुत बुरी थी एंड हर्टफुल थी, एंड आई एम श्योर फैमिली के लिए तुम्हारे लिए टॉर्चरस रही. कोई शो हम लोग कर रहे थे उन दिनों में, वो कोई ब्लैक बेस लगा दी गई थी किसी मॉडल को, और फिर वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी. और वो कैसे सही थी? वो सही नहीं था एक्चुअली, वो सही नहीं था, बट हम इट वाज स्टूपिड ऑफ अस कि हमसे ऐसा हो गया. आपको पता जब लाइव शोज होते हैं, लेकिन कहीं भी रेसिज्म का एलिमेंट नहीं था. मैं एम आई स्टूपिड कि ऑन नेशनल टेलीविजन मैं इतनी, मैं आई डोंट वॉन्ट बी कॉल रेसिस्ट, जनरली हर बंदा, नो बडी वॉन्ट्स टू बी कॉल रेसिस्ट एंड आई एम नॉट रेसिस्ट एट ऑल. बट हुआ ये था कि हम आपको पता है कि शोज में आप कुछ नया लाओ क्या करें, क्या क्लिक करेगा, किस तरह लोग रुकेंगे, किस तरह हमारा चैनल देखा जाएगा. तो उसी चक्कर में हमारी टीम डेली 5 दिन करती है, तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हम कभी कभार कहते हैं हाँ ये ठीक है, ठीक है. स्क्रीन पे आया ओवरलुक हो जाती हैं चीज़ें. बेसिकली जो था ना उसका थीम वो ये थी कि आपने मॉडल का कलर चेंज करना है, बी इट फेयर मॉडल और अ डार्क मॉडल. द पॉइंट वाज यू हैव टू चेंज द कलर, एंड चेंजिंग द कलर इज नॉट इजी बिकॉज कुछ लोग ऑरेंज बेस लगा रहे थे, क्योंकि अगर आप फेयर बेस पे ऑरेंज लगाएंगे और फिर डार्क लगाएंगे तो कहाँ से डार्क होगी, आप डायरेक्ट डार्क बेस लगाएंगे ना, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे. इट वॉज जस्ट अ चैलेंज. एंड बहुत सारे मेकअप अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल और इस तरह के शोज़ में भी इस तरह के चैलेंजेस होते हैं. तो ओनली कॉन्सेप्ट वॉज कि हम सिर्फ स्किन टोन चेंज करा के उनसे मेकअप कराएं, लेकिन स्क्रीन पे बुरा आया, डेफिनेटली बुरा आया. इट वॉज बैड, बट वी डिडंट मीन इट एट ऑल. हम नहीं चाहते थे कुछ इस तरह हुए. और अगर फॉर एग्जाम्पल वो लोगों ने लिखा था कि डार्क मॉडल लेते हैं, अगर हम डार्क मॉडल लेते और उनको गोरा करते तो उसको वो भी आते हैं, वो तो और भी बुरा था कि यू डोंट लाइक डार्क स्किन जिसकी वजह से आप यू नो फेयर टोन पे जा रहे हैं. सो इट वाज जस्ट यू नो लाइक काइंड ऑफ मेस्ड अप. मैं बिल्कुल मानती हूँ हमारी तरफ से गलती होगी, लेकिन कोई गलत किस्म का मतलब नहीं था. अच्छा ये तो हो गया मॉर्निंग शो, बहुत बातें कर ली ना हमने, अब हम लाइफ पे आते हैं. अलाया पे आते हैं. जब अलाया आई लाइफ में पहली दफा तुमने लिया, क्या फीलिंग थी? आंखों में आंसू थे, समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छा. उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं समझ आता आपको, मुझे तो नहीं आया. आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गॉड व्हाट अ डॉल. वो रो रही थी तो मैं बहुत घबरा रही थी, ओ माय गॉड ये रो रही है, प्लीज़ अम्मा इसको ले लें. जब घर आया ना तो मैंने उसको जब अपने हाथों में देखा और मैंने कहा ये मेरी बेटी है. तो फिर मैंने सारी दुआएँ जो मुझे आती हैं, आयतुल कुर्सी, सारी कुल, वो पढ़ पढ़ के रोज़ मैं फूंकती थी, अल्लाह इसको नज़र ना लग जाए, इसको नज़र ना लग जाए. और मैं तो उसके नसीब के लिए 9 महीने से ही दुआ मांग रही थी, लेकिन जब वो आपके हाथ में आती है ना उसके बाद जो दुआ होती है वो दिल से निकलती है. और मैंने कहा अल्लाह मियां. और उस वक्त ना आपको अपनी वालदा का, मुझे लगता है आपको अपनी माँ का उस वक्त एहसास होता है कि ओह माय गॉड जिस तरह मैं उसके लिए अम्मा किस चीज से गुजरी होंगी.
That's true. That is उससे true. पहले एहसास नहीं होता नहीं। मामा मम्मी यही कर दे, मम्मी कर दे। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी बहन अम्मा को कहती थी रात के 2 बजे अम्मी मेरे चावल खाने आप बना दे, मेरी अम्मा उठ के बनाती थी एंड मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी अम्मी शी सच अ ब्रैट, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एंड अम्मी कहती थी कुछ नहीं होता ना छोटी है। अब लाया मुझे जब उसको सोना नहीं होता ना सुबह के 4 बजे भी अगर वो उठ जाती है या 12 बजे भी या 4 बजे जब भी मुझे कहती है मम्मा आई एम सो हंग्री, मैं एकदम स्प्रिंग की तरह उठती हूँ, मैं फौरन नीचे जाती हूँ जो भी होता है गरम वरम करके मैं ऊपर लाती हूँ। तो वो वाली जो चीज़ थी रातों को जागना और सुबह मॉर्निंग शो करना और रात को बच्चे ने आपके साथ कुछ क्या किया है, कितने बजे तक आप जागी हैं, सुबह कहना अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, वो कैसा था? एग्जॉस्टिंग, बेहद एग्जॉस्टिंग। नींद आ रही होती थी, इरिटेटेड भी होते थे, नींद नहीं पूरी हो रही, समझ नहीं आ रहा। अलाया की टेंशन में था कि जब अलाया का डायपर चेंज किया फर्स्ट टाइम, नहीं मैंने कि क्या किया कुछ महीने तक तो मैं कैसे करूंगी इस तरह की थी, लेकिन पहली दफा करने के बाद